हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th केमिस्ट्री रिवीजन वीडियो लेक्चर। आई एम मुकेश बनानी एज केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, एंड चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। सो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर इन दीज चैप्टर्स? इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी टू कन्वर्ट टू ए बी टू, 300 एटम्स ऑफ कैपिटल ए रिएक्ट टू 200 मॉलिक्यूल ऑफ कैपिटल बी, देन द लिमिटिंग रिएजेंट इज कैपिटल बी। So what is the definition of limiting reagent? The reagent which finish first in the chemical reaction, जो chemical reaction में पहले finish हो जाएगा या जो least amount में रहेगा वही क्या कहलाएगा? Limiting reagent कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 300 atom capital A है and 200 molecule capital B है, तो कम कौन से amount में रहेगा? B। So that's why B is a limiting reagent. Second, if the 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen, volume of water vapor would be produced is 10. How can it find it? We know very well 2s2 react O2 to form 2s2o. yani jitne molecule hydrogen ke honge utne hi molecule water vapor ke honge. to yahan pe hydrogen ke kitne molecule hain? 10. to water vapor ke bhi kitne molecule honge? 10 honge. next, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर इक्वल सॉल्यूशन इज 15.38 ग्राम। यानी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी? इट बी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड यहां पे आपको मोलरिटी गिवन है 0.375, एंड नंबर ऑफ मोल की जगह हम मास अपॉन मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास भी गिवन है और मास आपसे पूछ रहा है। वॉल्यूम जो गिवन है आपका 500 ml है, इसको हम फर्स्टली लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। फिर भी अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आए तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट, द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। इट मीन्स एक मोल जो भी सब्सटेंस रहता है उसका मास कितना रहता है? मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल। और एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²। तो इट मीन 6.022 × 10⁻²³ का कितना रहेगा? 12। तो एक का कितना हो जाएगा? 12 में हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन्स आर 15। वी नो वेरी वेल द नंबर ऑफ इमिशन लाइन इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और n की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। तो 6 इंटू 6 माइनस 1 इट मीन 5 अपॉन 2, आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। एक्सरे हैज हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी अमंग रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, अम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो किसकी रहेगी? एक्स रे की रहेगी। द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1.32 × 10⁻⁹ मीटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या रहता है? आर इक्वल टू 0.529 × n² / z एंग्स्ट्रम। और एक एंग्स्ट्रम में कितने होते हैं मीटर? 10⁻⁻¹। और n का मतलब क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल कितनी दे रखी है आपको? 5। और z क्या रखेंगे? हाइड्रोजन के लिए 1। सब शेल एसोसिएट विद n इक्वल टू 4 आर 4। यानी जितनी शेल होंगी उतनी ही सब शेल होंगी। इट मीन्स n इक्वल टू 4 है, इट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? शेल को। तो जितनी शेल होंगी उतनी सब शेल रहेंगी। शेल कितनी है? 4। तो सब शेल भी कितनी हो जाएगी? 4। लाइक एस पी डी एफ। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट इज
2.19 × 10⁶ meter per second. Then the de Broglie wavelength associated with it, it is 3.32 × 10⁻¹ meter. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट, 6.62 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 × 10⁻³¹ केजी. वेलोसिटी गिवन है और लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स. द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एल एंड एम एल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, तो 3D है, इनमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2. अब एम एल की वैल्यू बात करें तो एल की वैल्यू 2 है, तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, −2, −1, 0, +1, +2. तो हमने यहां पे एक लिख दिया यहां पे −2. नेक्स्ट, अमंग LiCl, MgSO4, BeSO4, LiF कंपाउंड, LiF इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर. तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं और वहां पे आ रहा है इनसॉल्युबल, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या रहेगी, हाई रहेगी. Na+ आयंस आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Ar. आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम. तो वी नो वेरी वेल ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, तो एटॉमिक नंबर 18 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 18. Na+ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, +1 चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी 10. तो यहां पे क्लियर मालूम पड़ रहा है कि यहां 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 18 सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है. द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁵ हर्ट्ज इज 1.98 × 10⁻¹⁸ जूल. वी नो वेरी वेल फॉर्मूला इज ई इक्वल टू एच न्यू. फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास, इट मीन न्यू की वैल्यू गिवन है. एंड एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, 6.62 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड. पॉलिंग स्केल गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एटम इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉलिंग स्केल से या मुलिकन JF स्केल. ठीक है, when the electron in hydrogen atom undergo transition from energy level with n equal to 4 to energy level n equal to 2, then wavelength of light emitted is 486 nanometer. Nano means 10⁻¹. And yahan pe kaun sa formula lagega, 1 upon lambda equal to 109677 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. और n का मतलब, n1 का मतलब क्या है, lower energy level. lower energy level कौन सा है, यहाँ पे 2. n2 क्या है, higher energy level, उसकी value क्या है, यहाँ पे 4. तो ये जो formula है वो centimeter inverse में, तो meter में convert करना है, तो हम क्या करेंगे, centimeter का मतलब क्या रहेगा, 10⁻², तो वो bottom रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻². तो अगर मुझे मीटर इनवर्स मीटर में वैल्यू चाहिए तो 10⁻²² से और हम इसको मल्टीपल कर देंगे. क्रोमियम है 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1. तो 3d5 में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 4s1 में 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Among 2s, 3s, 4d, 4f orbital, 2s orbital will experience the large effective nuclear charge. तो it means जो orbital nucleus के जितना पास होगा उस पर effective nuclear charge भी सबसे ज्यादा लगेगा. तो सबसे पास कौन होगा, it means number of shells जो सबसे कम हो, सबसे कम कौन है यहाँ पे, 2. ठीक है. Next, when 1 mole of carbon is burned in 16 g of iron, then carbon dioxide that could be produced is 22 g. It means C+O2 gives us CO2. यानी इसका मतलब है 1 mole carbon react कर रहा है O2, यानी 32 g. यहाँ पे given है 16, यानी 32 का हमने half कर दिया. और CO2 का जब molar mass होता है 44 होता है. जब हमने O2 को ही half कर दिया तो CO2 भी क्या हो जाएगा, half हो जाएगा. 44 का half क्या होता है, 22. The empirical formula of oxide of iron, which has the 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass is Fe2O3.
इट मीन्स जब भी परसेंटेज होगी तो हम इसमें क्या डिवाइड करते हैं, उसके एटॉमिक मास को, और जो रेशो मिलेगा वो फ्रैक्शन मिलेगा, और फ्रैक्शन को हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी सबसे कम रेशो नंबर मिलेगा उसका हम डिवाइड कर देंगे, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। एलिमेंट हेड जेड इक्वल टू 106 वाज नेम बाय सी बोर्ज ग्रुप, जेड का मीन्स एटॉमिक नंबर। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114 इज पीरियड इक्वल टू 7 एंड ग्रुप इक्वल टू 14। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, पीरियड का मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ शेल। अब 114 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे देखेंगे, नोबल गैस। तो इससे पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है, रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86। अब उसके अलावा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे फिल करने, तो रिमेनिंग हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 5F14, 6D10, 7S2, 7P2। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है, तो पी सबशेल में जा रहा है यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए हम ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल या एस ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। तो 10 के बाद 7s2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में, एंड 7p2 2 इलेक्ट्रॉन पी में, तो 10 प्लस 2 प्लस 2 इट मीन्स कितना ग्रुप आ गया, 14। और पीरियड निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s 7p में गया, 7 इट मीन्स पीरियड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इज 39.81 ग्राम, यानी कॉपर का हम एटॉमिक मास देखें तो 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीपल बाय 4, कैलकुलेट करेंगे 159.5। अब 159.5 ग्राम में कॉपर कितना परसेंट है, 63.5, तो एक में कितना होगा, 63.5 में हम 159.5 का डिवाइड कर देंगे, और पूछ किस में रहा है, 100, तो मल्टीपल कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। अमंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, AU मींस गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Cl2, इन सब में 1 ग्राम लिथियम जो रहेगा विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल जो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मुझे नंबर ऑफ मोल ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चाहिए इसका मोलर मास सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम मोलर मास किसका होता है, लिथियम का ही होता है। सो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल की बात करें या नंबर ऑफ एटम की बात करें किस में रहेंगे, 1 ग्राम लिथियम में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल, आई विल सजेस्ट यू दैट गो थ्रू बाय NCERT बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।